जी न्यूज़ के सभी दर्शकों को नमस्कार। बर्डनपुर में एक मामला आया था पंचायती ज़मीन को लेकर, जो पूरा हरियाणा में नहीं पूरे भारत में वायरल हुआ। और एक मामले जो मामला था उस समय पंचायती ज़मीन को लेकर था, जहां पर दो किसानों ने जहर खाया था। एक ऐसा ही मामले की बात करें, गांव भाणा ब्राह्मणा के अंदर पहुंचे हैं, जहां पर पूरा गांव इकट्ठा हो चुका है। और इस गांव में मैं अभी आपको जो मामला है उस मामले की पूरी जानकारी भी दूंगा। फिलहाल तस्वीरें मैं दिखा देता हूं, जो ये आप जगह हैं कि खुदाई देख रहे हैं, ये एक तालाब बना दिया गया है। ये पहले एक स्पेस समतल स्पेस था, यानी कि बिल्कुल जगह थी सही, और अभी इसे एक तालाब का रूप दे दिया गया है। अब हाँ, 16 एकड़ जो जमीन है पंचायती, वैसे तो बहुत ज़्यादा ज़मीन है एक यहाँ पंचायती, लेकिन अगर बात करें यहाँ पर तालाब बनाने की एक स्कीम सरकार के द्वारा आई हुई है, तालाब सौंदर्यीकरण। और तालाब सौंदर्यीकरण के लिए हर गांव में, जैसे जो भी तालाब है वहाँ पर सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। और बताई जा रही है कि गाँव भाणा ब्राह्मणा में जहाँ पर पंचायती ज़मीन है वहाँ पर भी इसी प्रकार की योजना है, वो यहाँ पर जो स्कीम है लेके आए थे और ठेकेदार ने यहाँ पर शुरुआत की। लेकिन 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 अगर बात करें यहाँ पर जो ये ज़मीन है, नई ज़मीन पर तालाब खोदना है वो शुरू कर दिया है। लेकिन अगर गांव वालों की बात करें, बड़ा रोष है गांव वालों के अंदर, और इनका कहना है कि पहले दो तालाब है गांव के अंदर, अगर उनका ही सही तरीके से सौंदर्यीकरण किया जाए कहीं ना कहीं वो उनके लिए बेनिफिट होगा। लेकिन अगर तीन तालाब के बाद, यानी कि दो या पता नहीं तीन तालाब है, उसके बाद एक और तालाब की खुदाई की गई है, तो कहीं ना कहीं गाँव वाले नाराज है कि यहाँ पर ये बहुत ही गलत हो रहा है। और इस जगह पर कई बार जो गौ माता है, गौ वंश है, उनको भी यहाँ पर रखा जाता है, तो इस प्रकार की जो समस्या है गांव वालों के सामने आ चुकी है। आज प्रशासन यहाँ पर पहुँचा है और खुदवाई के लिए, तो अभी गांव वाले यहाँ पर इकट्ठा है, तो इनसे बातचीत भी करेंगे और मामले के बारे में भी जानेंगे। फिलहाल आप तस्वीरें देख सकते हैं, पूरा गाँव भाणा ब्राह्मणा के जो लोग हैं यहाँ पर पहुँच चुके हैं। एक बाबा जी है यहाँ पर जो अपना डेरा चलाते हैं, उन्होंने भी कहा कि इस जो जगह है इसकी खुदाई मत कीजिए, और क्योंकि जगह बहुत ज़्यादा है यहाँ पर तालाब की, तो वहीं पर खुदाई कीजिए। तो अभी मामला जान लेते हैं। हाँ जी भाई साहब, क्या कुछ मामला है? मामला ये है भाई साहब, पीछे रहो। हाँ जी, मामला ये है कि जो ठेकेदार है एक तो जबरदस्त करके जोड़ की खुदाई कर रहा है। अच्छा जी। और जहाँ जोड़ है 5 एकड़ का, गुरु जी कह रहे हैं कि इस जोड़ को ही इतना ही सीमित रखे, इससे आगे जो खाली जगह इसके छेड़छाड़ नहीं की जाए। ये वहाँ से भी माटी उठा रहा है और 10-10 फुट के खदने यहाँ पे, इसके पास कोई लेवल नहीं है, ना कोई अधिकारियों का नंबर है, ना गांव के इससे बिल्कुल नाराज। अच्छा, गांव के लोगों से कुछ पूछताछ करी इसके बारे में, जमीन के बारे में कुछ? कोई पूछताछ नहीं करी जी, जबरदस्ती कर रहे हैं बिल्कुल भी। अच्छा जी, तो आपको क्या लगता है कि आप ये जो गांव के अंदर तालाब है इससे संतुष्ट है? नहीं, क्योंकि तालाब तो बनाए जा रहे हैं, लेकिन अच्छा जी, तालाब से संतुष्ट है जी, 5 एकड़ का तालाब से संतुष्ट है। जो 16 किले का 1 एकड़ का तालाब है ना, उसमें पानी की एक भी सुविधा नहीं है गांव में, और भी छोटे छोटे तालाब है उनमें भी पानी की सुविधा नहीं है, तो ये 16 एकड़ का तालाब में कहाँ से पानी भरेगा? यानी कि आप ये कहना चाहते हो कि पहले जो तालाब है उनकी ही दशा सुधारनी चाहिए, ये बाद में करना चाहिए। और यहाँ पर क्या जो खाली जमीन पड़ी है गाँव वालों की, कुछ स्कीम है, गुरु जी के पास आए थे की यहाँ पे गौशाला बनाई जाए, अब भी बाबा के पास 8-10 गाय है, उनको लिए भी खाली जगह चाहिए हरा चारा बोने के लिए, ये जबरदस्ती करके धमकी दे के छोटे बड़े गांव के जो शरारती तत्व है, जो जमीन दबा रखी है, मकान बना रखे है, वो भी ठेकेदार के साथ लगे हुए हैं, और गुरुजी को धमकी दे रहे हैं कि तुझे देख लेंगे। ठेकेदार ने आज मेरे से सेक्रेटरेट में भी कहा था कि मैं गुरुजी को दिल्ली तक घसीट दूंगा। अच्छा जी, तो फिर ये जो आपका गांव का माल है, गांव के लोग जो बैठ कर क्यों नहीं इसमें आपस में वो करते? गाँव के लोग है जी जो इसको नहीं बनने दे रहे, वो तो आपके सामने खड़े है बिल्कुल, ये ताई चाची सभी भी खड़ी है, जो इसके एंटी है डेरा के खिलाफ है, जो जमीन दबा रखे है वो ठेकेदार के साथ लगे हुए हैं, और जो पीछे से ठेकेदार के साथ लगे हुए वो अब आपके सामने भी नहीं आ रहे हैं, सबसे बड़ी बात ये है। और जो कल भी एक पत्रकार आए थे अपने भाई साहब, उन्होंने वीडियो बनाई थी, जो उसमें वीडियो में बोल रहे हैं वो खुद ही कब्जादारी है, वो क्या वीडियो में बोलेंगे? ठीक है, तो आप देख सकते हैं भाई यहाँ पर देखो, तालाब का मामला है, सरकार के द्वारा सौंदर्यीकरण का मामला है, लेकिन हमारा काम सिर्फ न्यूज बनाना है। हम अगर दूसरा पक्ष हमें बुलाता है तो वहाँ पर भी जाएंगे, पहले पक्ष ने यहाँ पर बुलाया जो गांव के द्वारा, अब महिलाएं हैं ये विरोध कर रही है, इनसे भी जान लेते हैं। जी हाँ जी, क्या समस्या है आपकी, क्यों विरोध किया जा रहा है? आ जाओ जी,
हाँ जी, ये जगह में इतने तो डांगर भी नहीं है। अच्छा जी, इतना बड़ा तालाब खोदा जा रहा है। बिल्कुल सही जी, 16 फुट का डूंगा मैं तो हाथी भी डूब जाएगा, बच्चे करता पावेंगे। अच्छा जी, यानी कि आपके लिए खतरनाक हो सकते हैं। खतरनाक है जी, 16 फुट का डूंगा तालाब। तालाब फिर आपके पहले है जी जोड़ वगैरह? 2-3 तालाब है पहले। अच्छा जी, फिर ये जितना है नहीं इतने में सीमित रहना चाहिए। अच्छा अच्छा, इतने चुगुर्दा का तालाब करना नहीं चाहिए। मतलब आप ये कहना चाहते हो जो पहले तालाब है ठीक है, वो भाई उसमें पशु है डंगर है अपने सही सही गुजारा हो जाता है, खुदाई करो। अच्छा जी, जो बाकी है जो पीछे भी लाने नहीं सरकार ने तो गौशाला बनवा दो, पेड़ पौधे बनवा दो, पार्क बनवा दो, मंदिर बनवा दो। हाँ जी बोलो जी, क्या कुछ समस्या है जी? आप 16 एकड़ का जोड़ में भैंस बढ़ जाएगी, ऊपर निकलेंगी वहाँ। अच्छा जी, पहले आपके गांव में तालाब है? हाँ जी, वीडियो बना दो। अच्छा जी, तो पानी का एड्रेस दे। इतना बड़ा तालाब इतना बड़ा गांव है, इतना बड़ा तालाब। अच्छा जी, तो आप क्या चाहते हैं जी? आप मतलब भाई 16 एकड़ में आप तालाब नहीं बनने दोगे? और तो कुछ बन, आपको नुकसान किस बात का है तो 16 एकड़ में तालाब बनाने से? नुकसान है। क्या नुकसान है जी? नुकसान है सारा, का गया बच्चों का भी है सारा नुकसान। देखो कितने बच्चे खड़े हैं। अच्छा जी, अच्छा जी, पूजकरण आते हैं, श्याम आरती करण आते हैं। सरकार की स्कीम है जी सौंदर्यकरण की, तो आपको क्या लगता है अभी सौंदर्यकरण होना चाहिए तालाब का? तालाब का कर उसका कर दो जी। अच्छा अच्छा, यानी कि जो पहले है उनका करना चाहिए? उसकी दशा कैसी है जी? उसकी दिशा कैसी है, हालत कैसे? पानी आया नहीं है, आया नहीं, गंदा नाला का पानी, कभी पानी नहीं आया, गांव का गंदा ही पानी आता है उसमें बस। अच्छा, जो कि 250 साल पुराना ये। अच्छा जी, प्राचीन है, जब से गांव है तब से ही है। तो आप क्या चाहते हैं अभी? उसी की सफाई। अच्छा, उसी का सौंदर्यकरण होना चाहिए, नया तालाब नहीं बनना चाहिए। मंदिर है नहीं जी, जो मंदिर है नहीं, मंदिर के साइड तो जगह बदलनी चाहिए और थोड़ी सी उड़ना जोड़ बदलना चाहिए, और सारा चाहे पार्क बनाओ चाहे गौशाला बनाओ, गौवा का चारा हो, कुछ भी हो होना चाहिए उसमें। तो भाई देख सकते हैं यहाँ पर जो महिलाएं भी पहुंची है, विरोध किया जा रहा है कि यहाँ पर 16 एकड़ में जो पंचायत डीसी से मिलके आई है अभी, तो अभी डीसी से जो गांव की पंचायत है वो मिलके आई है, और पंचायत के बारे में भी जानेंगे आखिर क्या रहा, डीसी साहब ने किस प्रकार का आश्वासन दिया। आज तो सर ये जो तालाब का मामला है, सौंदर्यकरण का मामला है जो आया है, और गांव वालों का विरोध है कि यहाँ पर नया तालाब नहीं बनना चाहिए, जो पहले तालाब है उनकी थोड़ी चौड़ाई कीजिए और वहीं पर सौंदर्यकरण किया जाए, इस बात को लेकर गांव वाले नाराज है, और उनका कहना है भी यहाँ पर हादसे हो सकते हैं क्योंकि इनकी जो गहराई है वो भी ज्यादा होने वाली है। तो इसको लेकर आपने आज डीसी से मिले हैं, तो डीसी को के पास गए तो क्या कुछ रहा, डीसी किस प्रकार का आश्वासन दिया? डीसी साहब आपका ले दो, ओम प्रकाश है जी। हाँ जी बोलिए सर। डीसी साहब मिले नहीं है और उन्होंने आज डीसी साहब के पास गए थे आप इस बात को लेकर कि सौंदर्यकरण के तहत नया तालाब नहीं खुदना चाहिए और जो पुराने तालाब है आप उनका ही सौंदर्यकरण किया जाए, तो क्या क्या डीसी साहब क्या बोले? प्रशासन वाले माइनर वाले मुआयना करके, वो माइनर वाले को बोलते हैं। अच्छा जी, सही है गलत है मिट्टी किस तरह? अच्छा जी, तो क्या बातचीत हुई है डीसी साहब ने किस प्रकार का आश्वासन? उसके आने के बाद मशीन चलेगी जी, जो अब कौन आ रहे हैं अधिकारी भेजे उन्होंने, कौन से अधिकारी भेजे हैं? पैमाइश करेंगे वो अधिकारी आए। अच्छा जी, तो आपको क्या लगता है अभी डीसी साहब ने आपके लिए संतुष्टि भरा जवाब दिया है या क्या कुछ लगता है? फंड नहीं मचाना। अच्छा, मतलब आपका ये कहना है भी आप पैमाइश कीजिए और जो तालाब पहले है उनमें जगह बताइए, जगह यानी चौड़ा कीजिए उसको, फिर नया तालाब ना खोज उसका सौंदर्यकरण किया जाए।